नमस्कार, हेल्थ एंड वेलनेस हाइलाइट्स के एक और ताज़ा तरीन अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सोनी और मैं आपके लिए लेकर के आता हूं हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट्स की। आज शुरुआत करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टरों के गंभीर जो समस्या है उसके समाधान की दिशा में जो एक कदम उठाया गया है उसके बारे में। अत्यधिक थका देने वाले लंबे वर्किंग आवर्स, सीनियर डॉक्टरों द्वारा की जाने वाली उपेक्षा और अपमान, मरीज व मरीज के परिजनों की ओर से मिलने वाला तनाव तथा कॉलेज में पढ़ाई का प्रेशर और होने वाली रैगिंग के चलते मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टर जो है पढ़ाई छोड़कर भी जा रहे हैं, साथ साथ आत्महत्या के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। इस साल सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में 119 मेडिकल छात्रों ने अपनी जान ले ली और 1166 छात्रों ने मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों से पढ़ाई छोड़ दी। ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। मरीजों के जीवन की रक्षा करने तथा किसी भी हॉस्पिटल की बैकबोन या यूं कहें कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माने जाने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रत्येक बैच में सदियों से ऐसे ही मानसिक तनाव से गुजरने का सिलसिला चला आ रहा है। देर से ही सही, लेकिन अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फेमा ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य टास्क फोर्स को आरंभ करने की शुरुआत की है। फेमा ने इस टास्क फोर्स में मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों और प्रमुख रेजिडेंट डॉक्टरों को शामिल किया है। यह टास्क फोर्स अब मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टरों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेगी। आशा है यह टास्क फोर्स अपने मिशन में कामयाब होगी। अगला अपडेट एम्स भोपाल से है, जहां 15 महीने के एक बच्चे की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। 15 महीने के इस बच्चे के माता पिता को उसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही पता चल गया कि वह बच्चा सुन नहीं पा रहा है। स्थानीय स्तर पर तमाम जांच करवाने के बाद उसके माता पिता उत्तर प्रदेश से उसका इलाज करवाने के लिए उसे एम्स भोपाल लेकर आए। यहाँ पर डॉक्टर विकास गुप्ता के नेतृत्व में ENT सर्जनों की एक टीम ने हाल ही में बच्चे के दोनों कान में एक साथ कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की। 3 सप्ताह की सर्जरी के बाद इस बच्चे के दोनों कान के उपकरण चालू कर दिए गए हैं। अब बच्चा अच्छी तरह से सुनकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहा है। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक और CEO प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने स्विच ऑन प्रक्रिया, जो बच्चे को जब ये इम्प्लांट की जो की गई कॉक्लियर है उसको चालू करने की जो प्रक्रिया थी, उस दौरान अपनी उपस्थिति दी और उसको खुद ही चेक किया। अब बात करते हैं बीड़ी, सिगरेट और हुक्का पीने वालों की। अब तक तो आपने सुना होगा कि धूम्रपान दिल और फेफड़ों पर असर करता है, लेकिन एक नए अध्ययन के अनुसार धूम्रपान आपके मस्तिष्क को भी स्थायी रूप से सिकोड़ सकता है। अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि यदि आप धूम्रपान छोड़ देते हैं तो मस्तिष्क के ऊतकों यानी टिश्यूज को और अधिक डैमेज होने से रोक सकते हैं, लेकिन धूम्रपान छोड़ने या धूम्रपान रोकने से आपके मस्तिष्क का जो मूल आकार है वो वापस नहीं आएगा। यह अध्ययन बायोलॉजिकल साइकियाट्री ग्लोबल ओपन साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं की जो टीम थी उसने 32,094 लोगों के मस्तिष्क के आकार, धूम्रपान के इतिहास और धूम्रपान के आनुवांशिक जोखिम पर तैयार किए गए डी आइडेंटिफाइड डेटा का विश्लेषण किया और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे। अध्ययन में यह भी बताया गया कि धूम्रपान करने वालों को उम्र से संबंधित संज्ञानात्मक गिरावट और अल्जाइमर रोग का खतरा अधिक होता है। अगला अपडेट बिलासपुर से है, जिसमें गोल्डी छाबड़ा नामक व्यक्ति की मौत के मामले में 7 साल के बाद पुलिस ने इलाज में लापरवाही बरतने और सबूत मिटाने के आरोप में अपोलो अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टरों, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर राजीव लोचन, डॉक्टर मनोज राय और डॉक्टर सुनील केड़िया को अरेस्ट किया है। पुलिस ने इस केस की जाँच के बाद अपोलो अस्पताल प्रबंधन पर भी कार्रवाई करने का दावा किया है। उल्लेखनीय है कि अपने बेटे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था, लेकिन तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद परिजनों ने हाई कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो टीम थी उसका गठन किया गया, जो मेडिकल लीगल संस्थान जो होता है, और डॉक्टरों के खिलाफ
जो रिपोर्ट आई उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए यह कार्रवाई की है। तो ये थे आज के कुछ हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए अपडेट्स, आशा करता हूँ पसंद आए होंगे। पुनः एक बार आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक और ताज़ातरीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए आज्ञा, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।